हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल फूड किचन में। आज मैं आपके साथ हरी प्याज की चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। आप इसे जिसे आल भी कहते हैं हरी प्याज को, और इसको आप वेज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए, मैं वो दिखाती हूँ। ये हमारे पास हरी प्याज है, और ये उसी में हरी प्याज में ये इस तरह से अनियन लगा होता है नीचे, ये वो है। इसको हमने चॉप कर लिया, मैंने क्लिप कर दिया था दिखाने के लिए। तो ये हरी प्याज है, बहुत मज़े की होती है। मैं बना रही हूँ तरीका, वो ज़रूर बनाइए। मैंने एक टमाटर लिया, कुछ ग्रीन चिली लिए जो जाएंगी, और ग्रीन चिली को हम चॉप कर लेंगे, बहुत बारीक नहीं, थोड़ा सा। एक मिर्च के 2 से 3-4 पीस करके, ये मैंने 3-3 पीस कर लूँगी। बड़ी मिर्च के 4 हम इस तरह से कट कर लेंगे, और टमाटर को भी थोड़ा सा मोटा कट कर लेंगे। टमाटर को भी हम कट कर लेंगे थोड़ा सा मोटा। बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको दाल चावल के साथ लंच में खास चटनी या अचार के तौर पर ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में पराठों के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं, सब्ज़ी के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े की होती है हरी प्याज, इसे हम आल भी कहते हैं। तो ये इस तरह से हमने टमाटर चॉप कर लिए हैं, और अब हम आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। ये हमारे पास सॉल्ट है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला होममेड हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, 1 टीस्पून लेमन जूस, और 50 ml ऑयल है हमारे पास जो हमें चाहिए। अब मैं ये मेरा कार्ड ले, इसको अब होल्ड करके नोट डाउन कर ले। अब मैं आगे का प्रोसेस दिखा रही हूँ आपको, इसको बनाने का तरीका। तो मैंने इसमें एक पैन लिया है, और ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड सीड। ये मैं राई डाल रही हूँ, जो मैं इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखा पाई थी, तो ये राई डाल देती हूँ मैं। और जो हमारा चाट मसाला है उसमें धनिया, सौंफ और ज़ीरा पिसा है, तो हमें वो नहीं मैं अलग से डाल रही हूँ। अगर आपके चाट मसाला नहीं है आपके पास, तो आप मेरा लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं ऐड कर दूंगी, वो बना सकते हैं। और चाट मसाले अदरवाइज़ आप सौंफ, ज़ीरा, धनिया थोड़ा सा सॉफ्ट भून के उसको पीस के डाल सकते हैं। ये मैंने देखे प्याज डाल दिए दोनों तरह के, पहले मैंने वाइट प्याज जो थी उसको फ्राई किया थोड़ा सा, और अब ग्रीन अनियन जो है आल उसे हम ऐड कर रहे हैं। तो इसको भी हम 3 से 4 मिनट थोड़ा सा बस कलर चेंज करेंगे अनियन का, जिसमें एक झड़प होती है, तेज़ी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी अनियन में फ्राई करने से। थोड़ा सा फ्राई करके हम इसमें देखें, अब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आएगा, और बहुत दिखने में खूबसूरत लगेगा, और मज़े भी चेंज होता है। ये देखें इस तरह से कलर थोड़ा सा हम अनियन का चेंज करेंगे। ये देखें हो गया, मैं हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ, और हल्दी को मैं 1 से 2 मिनट भूनूंगी साथ ही, और थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। अब मैं चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक थोड़ा खुलता हुआ थोड़ा तेज़ में अच्छा होता है। जिस तरह अचार में नमक खट्टा होता है, तेज़ होता है अचार, उसी तरह ये कुछ कुछ अचार से मिलता जुलता वेज है हमारा अनियन जो मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी, और उसको भी भुनाई कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए भुन रहा है, ये भुन गया है, 5 से 7 मिनट लगे इसे भुनने में। अब मैं साथ ही टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। इसे भी तमाम इंग्रेडिएंट्स में, प्याज में और मसालों में अच्छे से टमाटर को और हरी मिर्च को मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूंगी इसमें, लेमन जूस अभी ऐड कर रही हूँ मैं।
हमें बहुत ज़्यादा टमाटर गलाना नहीं है, बस हमें थोड़ा सॉफ्ट करना है, इसका कच्चापन दूर करना है, अदरवाइज हमें टमाटर को बिल्कुल मैश नहीं करना है, टमाटर इसी तरह साबित रहेंगे, बस थोड़ा सा हम लिट करके 5 मिनट और कुक करेंगे, इससे हमारे टमाटर और हरी मिर्च है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं लिट करके देखती हूँ, ये देखिए ओपन करके देखती हूँ, ये हरी मिर्च का कलर भी चेंज हो गया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, बस हमें यही फॉर्म करना है। ये हमारी डिलीशियस चटनी, अचार, हरी प्याज की सब्ज़ी, कुछ भी कह सकते हैं आपको, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ज़रूर ट्राई करें। अब हम करते हैं डिश आउट। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अगर हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो। अल्लाह हाफिज़।